सच्चाई के रास्ते पर चलने से फायदा है, क्योंकि इस रास्ते पर भीड़ कम मिलती है। ईश्वर को रोज याद करें, लोगों से बात करने से ज्यादा आसान है भगवान से बात करना। जिस प्रकार से हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए परहेज करते हैं, वैसे ही मन को भी स्वस्थ एवं मजबूत बनाने के लिए अच्छे विचारों की खुराक देनी चाहिए। सबके दिलों का एहसास अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। जब वक्त अच्छा होता है तब नफरत करने वाले भी चाहने लगते हैं, लेकिन जब वक्त बुरा होता है तो चाहने वाले भी नफरत करने लगते हैं। सम्मान के लिए संघर्ष अवश्य करें, पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। जैसे घर निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही चरित्र निर्माण में भी एक एक विचार का महत्व है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाइए। प्रेम कभी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जो लोग जानते हैं बिछड़ जाने का गम, वो साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार ही रिश्तों को पकड़ कर रखता है। परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में है साहब, उदासियां चेहरे पर दिखाई दे ये जरूरी तो नहीं। आप कितने अच्छे और ईमानदार ही क्यों ना हो, एक वक्त के बाद सबका मन भर जाएगा आपसे। अपने बीते हुए कल को ये अधिकतर मत दो कि वो आपके आने वाले कल को डिसाइड करने लग जाए। एटीट्यूड एक छोटी सी चीज होती है जो किसी के भी जीवन में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने की काबिलियत रखती है। जिस व्यक्ति के पास चीजों को उनकी सकारात्मक साइड को देखने की काबिलियत होती है, वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। ध्यान रखें कि जो विचार हम अपने भीतर रखते हैं, वही हमारी दुनिया बन जाती है। हम जैसा सोचते हैं और जैसा करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। यदि आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं, तब सबसे पहले आपको अपनी थिंकिंग बदलने की आवश्यकता है। यदि आपके पास आपकी जरूरत से अधिक है, तब उसे दीजिए जिसे इसकी सबसे अधिक जरूरत है।